जयपुर में भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी से कैंसर उपचार के क्षेत्र में क्रांति आई है। कैंसर के उपचार का खर्च केवल 10% रह गया है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ताराचंद गुप्ता ने बताया कि एडवांस स्टेज के कैंसर रोगियों के उपचार में इम्यूनोथेरेपी बेहद कारगर साबित हुई है, लेकिन दवाइयां पेटेंट होने की वजह से बहुत अधिक महंगी है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोध कर लो डोज इम्यूनोथेरेपी की खोज की गई है। स्टैंडर्ड डोज से मैंने आपको बताया 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम का जो डोज था, रफली जो 200 मिलीग्राम है, जिसका कॉस्ट 4 लाख तक आ रहा है, उसको कॉस्ट को कम करते हुए बेनिफिट को कैसे मेंटेन करें, उसमें हम बेनिफिट में आगे गए, दैट इज अवर रिजल्ट। लेकिन हमारा तक बेनिफिट कम ना हो और कॉस्ट कम हो जाए, उसको कम करते हुए हमने 0.3 मिलीग्राम से 0.3 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर लिखा है, दैट इज अराउंड 20 मिलीग्राम। तो इस तरह से ये कॉस्ट कम हुआ। फर्स्ट टाइम अभी इसको हेड एंड नेक कैंसर में स्टार्ट किया है। वेरी सुन हमारा जो प्लान है, जो आगे हमारी जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी है, जहाँ जिस तरह के फॉर्मल डिस्कशन होते हैं, वेरी सुन हम लोग किडनी कैंसर में भी ये रिजल्ट और लंग कैंसर में भी इस तरह का रिजल्ट हम देख सकते हैं।